नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है, दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा बम्पर भर्तियों का पिटारा है साल 2023 में। हलचल हो चुकी है, जिस प्रकार आपने थंबनेल में देखा है कि डाक विभाग के में विभिन्न पदों पर भर्ती रिक्त चल रही है, जल्द वैकेंसी आएगी। दोस्तों एक अखबार के माध्यम से बड़ी खुशखबरी आई है, बहुत अच्छी जानकारी है, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब हलचल हो चुकी है। आपको लाइक का बटन जरूर दबाना चाहिए। आज की वीडियो जितना हो सके उतना शेयर अवश्य करना मेरे दोस्त, ठीक है? और जल्द अभिषेक क्लासेस के, समझ गए ना, ध्यान देना, अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ध्यान देना। भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 बड़ा अपडेट है। क्या बड़ा अपडेट है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं अखबार का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, दैनिक भास्कर को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है अभिषेक क्लासेस की तरफ से, क्योंकि आपने बहुत अच्छी खबर ये दी है। इससे बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर खुशी आ चुकी है। क्या कुछ खबर में आया है, ध्यान से सुनिए पूरी बात, ठीक है? दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, दसवीं पास अभ्यर्थी, बारहवीं पास अभ्यर्थी और स्नातक पास अभ्यर्थी, आयु 18 से 40 वर्ष, पूरे भारत के, महिला और पुरुष दोनों के लिए, ध्यान देना। लेटेस्ट अपडेट आया है कि 70,000 पद खाली है, कहां? भारतीय डाक विभाग में। दोस्तों इन 70,000 में से 60,000 ऐसे पद है जो ग्रुप सी में आते हैं, यानी कि ग्रुप सी के 60,000 पद है। और जिस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं कि ग्रुप सी की भर्ती कब आए डाक विभाग में, ग्रुप सी की कौन कौन से पद आते हैं चर्चा करेंगे, बस आप मेरी बातों को सुनते चलिए, ठीक है? दोस्तों लगातार भारत देश के अंदर खुल रहे हैं पोस्ट ऑफिस। पिछले 5 वर्ष का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 5,639 नए पोस्ट ऑफिस खुल गए हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस साल 2021 और 22 में खुले गए हैं, जिनकी संख्या 3,007 है। दोस्तों आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई जाना तो कहीं ना कहीं रिप्लाई में उत्तर आया कि हर साल पीए, पोस्टल असिस्टेंट और ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट के 3,000 पोस्ट पर भर्ती निकलती है। जिस प्रकार आप देख सकोगे 2018 में 3,730 पदों पर निकली, 19 में 3,414, 20 में 3,181, 2021 में 3,378, 2022 में 19,676, ठीक है? 2022 में पीए और ऐसे की सबसे ज्यादा पोस्ट पर भर्ती आई। दोस्तों 2023 में भी जल्द कहीं ना कहीं भर्ती आती है। क्या होता है पीए और ऐसे? दोस्तों पीए और ऐसे एक बहुत बड़ा पद होता है भारतीय डाक विभाग में। अगर आपने स्नातक पास कर रखी है तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए अवेलेबल हो। पीए और ऐसे आप प्रमोशन के थ्रू भी बन सकते हो, एमटीएस से पीए और ऐसे बन सकते हैं, पोस्टमैन से पीए और ऐसे बन सकते हैं, लेकिन 5 से 7 साल आपको एमटीएस के पद पर नौकरी करना होता है। लेकिन आप क्यों प्रमोशन लेना चाहो, आप डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हो। कैसे? एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है पीए और ऐसे की, एसएससी ही सारा प्रोसेस कंप्लीट करके यहां से बच्चों को कहीं ना कहीं सिलेक्ट करके और डाक विभाग के पास पहुंचाता है। कौन से पद पर? पीए और ऐसे पर। यह हुई पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात। इधर ध्यान देना मेरे दोस्त, ग्रुप बी की बात करूं, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी के पद 239,715 स्वीकृत है। दोस्तों देखिए आप सच्चाई, इतने पद स्वीकृत है,
इनमें से 170,571 पदों पर पेशेवर लोग काम कर रहे हैं, यानी कि यहां भी स्थाई नहीं है, अस्थाई लोग काम कर रहे हैं 170,571 पदों पर। ठीक है मेरे दोस्त, 69,144 पद भारतीय डाक विभाग में खाली चल रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप सी की अगर बात करूं, 225,859 पद में से यहां पर 60,394 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये पद रिक्त चल रहे हैं, खबर आ चुकी है, हलचल हो चुकी है। ग्रुप सी 60,000 से अधिक पद, ग्रुप सी के पद कौन कौन से हैं? एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पास अभ्यर्थी बन सकता है, पोस्टमैन, मेल गार्ड 98,000 पद का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन 98,000 में से 60,000 पदों पर बहुत जल्द ग्रुप सी जो मैंने आपको पद बताए यह भर्ती आ रही है। इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है, बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। दोस्तों बात आती है कि ये ग्रुप सी के पद एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड कैसे सिलेक्ट होगा? स्टूडेंट्स यहां एग्जाम्स एसएससी ले सकता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, या तो डाक विभाग ही ले सकता है या एसएससी इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये एक अखबार में जो खबर आई है, इससे डाक विभाग के अधिकारियों के पास कहीं ना कहीं कानों में खबर पहुंच गई है। साल 2023 चुनावी वर्ष है और रेल मंत्री के जो रेल मंत्री है भारत देश अजनबी वैष्णव जी, उन पर पहले से ही रेलवे में बंपर भर्तियों का बोझ है, रोज के रोज उनको टारगेट किया जाता है नई भर्तियों को लेकर। अजनबी वैष्णव जी रेल मंत्री, उसी के पास भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस का चार्ज है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहेगी कि डाक विभाग में भी ग्रुप सी के पद आए, ग्रुप बी के पद आए। इंतजार की घड़ी समाप्त होगी, इस विषय पर और अच्छे से बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, लाइक का बटन दबना चाहिए और अभिषेक क्लासेस पर अगर जुड़े रहे, अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब किया, पल पल की अपडेट यहां पर दी जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त जल्द से जल्द अभिषेक क्लासेस का 1,00,000 सब्सक्राइबर कीजिएगा और जल्द आपकी अपनी एक साथ की फैमिली, 1,00,000 की फैमिली बहुत जल्द नया कुछ करने वाली है, इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश करेगी और ऑफिशियली एकदम सटीक जानकारी प्रोवाइड कराएगी। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, कीजिए अपने सपना पूरा अभिषेक क्लासेस के साथ, कहीं ना कहीं गाइड लेते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।